बॉक्स को ओपन करने से मैं बता दूं आपको कि इस पर एक चिट लगी हुई है जो हमारी कॉलेज का एड्रेस वगैरह नेम रोल नंबर सब चीज़ आती है इस पर लखनऊ से ही, जो कॉलेज की तरफ से नहीं, मतलब हमें पहले से ही इस पर चिट वगैरह लगी हुई आती है हमारे नाम से, हमारे एड्रेस वगैरह से, हमारा डाटा इसमें सेव होता है टैबलेट में जहाँ तक मैंने अभी तक सुना है। और ये नाम चिट के हिसाब से रोल नंबर वाइज ही मिलता है गाइस। तो चलिए सब ओपन करते हैं। ये टैबलेट है आराम से गाइस, थोड़ा नया है दिया हुआ, और इसके साइड में है ये ओपन करने का सिस्टम। तो ये हमारा टैबलेट है, इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं अभी। इसके अंदर का व्यू है गाइस, ये डब्बे की ओर से हम ओपन करके देखते हैं तो हमें मिलता है ये एक चार्जर जो कि सैमसंग का ही है और देख सकते हैं गाइस आप, इसे रखते हैं साइड में। और ये एक टाटा केबल है चार्जिंग की, तो देखते हैं इसे साइड में रख देते हैं। ये कुछ किताबें हैं, इन्हें भी साइड में रखो। और ये सिम कार्ड वगैरह निकालने की कोई पिन है, ये सिम कार्ड निकालने की पिन है। तो गाइस ये था हमारा सब कुछ अंदर का, जो भी इसके अंदर था, एक चार्जर था और एक हमारा ये डाटा केबल था गाइस। तो गाइस इसे हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं साइड में और जो हमारा टैबलेट है हम उसे ओपन करके देखते हैं, ठीक है गाइस। ये हमारा टैबलेट आ गया है, अब इसे रखते हैं नीचे टेबल पे, बॉक्स करते हैं साइड में। तो गाइस ये हमारा टैबलेट है, अब हम इस कवर को इससे हटाते हैं और ओपन करके देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये रहा हमारा टैबलेट, बेहद खूबसूरत है ब्लैक कलर में। ये है हमारे टैब का फ्रंट व्यू जो बेहद ही बहुत ज़्यादा, मतलब पतला एकदम और बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम फिनिशिंग है इसकी। और ये साइड में इसके एक सिम कार्ड पोर्ट का सिस्टम, ये पिन लगाने का है, ये पावर बटन है और ये वॉल्यूम बटन है। और गाइस आप ये साइड में देख रहे हो ये एक माइक है वॉल्यूम बटन के पास में ही। ऐसा होता है कि बहुत से जो भाई हैं हमारे वो पिन उठा करके सीधा इसमें बाढ़ दी और दिक्कत हो जाती है, फिर टैबलेट में दिक्कत हो जाएगी। और ये नीचे हम देखते हैं ये स्पीकर हैं, ये USB-C पोर्ट है, एक ऑक्स केबल और एक और माइक। आगे की तरफ भी गाइस इसमें स्पीकर्स दिए हुए हैं, तो बेहद मज़ा आने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे कि भाई हाँ सामने कुछ रखा हुआ है बड़ा और देख रहे हैं, बहुत अच्छे से साउंड क्वालिटी आएगी। चलो एक बार से चालू करके देखते हैं, हम ऑन करते हैं इसे पावर बटन दबा कर। आपको ठीक से दिख पा रहा होगा गाइस, ये इस तरह से प्रोसेस है इसका, अभी आप स्टार्टिंग में देख रहे हो। तो ये ओपन हो चुका है, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं गाइस। चालू करते हैं इसको स्टार्ट, और ये नीचे दिया हुआ आई हैव रीड एंड एग्री टू ऑल ओके। अब बिना सिम कार्ड के, बिना वाईफाई के भी वगैरह के नेटवर्क दिखा रहा है, देखो भाई जी अभी से ही 68% इसकी बैटरी है, 68% वाईफाई देते हैं गाइस अभी से। फोकस आउट हो रहा है थोड़ा, गैलेक्सी टैब वाईफाई देते हैं। अब
वाईफाई देने के बाद गाइस ये हो गया हमारा कनेक्ट, और अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होने के बाद ये बताएगा चेक फॉर अपडेट्स, और ये अपडेटिंग हो रहा है, अपडेटिंग नोक्स इन। अभी गाइस आगे बढ़ते हुए चेकिंग डिटेल, दिस में टेक ए फ्यू मिनट्स, अभी समय मांग रहा है एक मिनट काम से। दिस डिवाइस बिलोंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, गेटिंग रेडी फॉर वर्क सेटअप, इस पर लिखा हुआ आ रहा है गाइस। अभी आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ये प्रोसेस हो रहा है गाइस, थोड़ा लंबा हो सकता है प्रोसेस। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, कीप योर वर्क एप्स एट योर फिंगर टिप्स। ये गाइस कुछ इंस्टा का इंटरफेस आ रहा है, आप देख रहे हो ये नेक्स्ट आ गया है ऑप्शन, नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। हमारा ओपन हो चुका है पूरी तरह से, और हम आते हैं बैक फिनिश। ये गाइस फिनिश का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर, तो फिनिश का ऑप्शन पर हम टच कर देंगे। थोड़ा गर्मी हो रही है तो फिंगर में दिक्कत हो रही है, पसीना वसीना आ जाता है। योर डिवाइस इज़ रेडी टू गो, तो हमारा डिवाइस अब चलने के लिए तैयार है, तो हम करते हैं इसे डन। अच्छा तो प्लीज़ वेट, हमसे फिर समय मांग रहा है गाइस, तो समय देते हुए इसे हम आगे बढ़ते हैं। अभी समय समय प्लीज़ वेट। ये गाइस देख सकते हैं आप, दिस टैबलेट विल बी कन्फिगर्ड बाई UPDESCO लिखा हुआ है, और हम नेक्स्ट कर देंगे इसे। उसके बाद में गाइस ये आता है इस पर एग्री का ऑप्शन नीचे, एग्री कर देंगे। गाइस इसे ऑन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है, वॉलपेपर दिखाई देता है इस तरह का, लगता है जैसे योगी जी का फ़ोटो इस पर आएगा ही नहीं। तो इसे लॉक करते हैं हम, अभी गर्मी की वजह से फिंगर नहीं चल रहा गाइस। तो गाइस देख पा रहे हैं आप के ऑन हो चुका है हमारा टैब, और इसमें अभी वॉलपेपर वगैरह कुछ नहीं है। और अब हम इसमें अपनी आईडी वगैरह डालते हैं, देखते हैं फिर उसके बाद में क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी बैटरी कैपेसिटी और चीज़ें देखते हैं। उसकी बैटरी इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कि ये 5100 mAh में है, यानी कि 5100 mAh की इसकी बैटरी है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बैकअप देगी। अभी प्रोसेसिंग हो रही है, ऑथेंटिकेटिंग योर इन्फॉर्मेशन, गेटिंग रेडी। अभी समय ले रहा है गाइस ये ओपन होने के लिए, इसमें कुछ ऐप्स वगैरह हैं, डाउनलोडिंग ऐप्स, ऐप्स डाउनलोड हो रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। फिनिशिंग अप है, आप लास्ट स्टेप है बस, उसके बाद में ओपन हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। और ये लीजिएगा योगी जी का फ़ोटो इस पर आ चुका है, यानी कि ये डिजी शक्ति अध्ययन एक ऐप है, और ये ओपन होते ही गाइज कुछ इस तरह का इंटरफेस। गाइज इसमें तो हमारी पूरी डिटेल आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें नाम, ट्रेड और एड्रेस वगैरह भी आ रहा है। तो गाइज ये जो है हमारे पूरा, मतलब कि पूरा डाटा इसमें केंद्र से ही चढ़का आया हुआ है हमारा, जो रोल नंबर की चिट्ठी दिखाई थी ना मैंने आपको, ये चिट्ठी लगी हुई थी ये, तो गाइज ये पूरा डाटा ही वहाँ से चढ़ के आया है इस पर केंद्र पे। मतलब कि जैसे फ्रेंड्स वगैरह चेंज कर लेते हैं, तो ऐसा चेंज करोगे तो आपको दिक्कत पड़ सकती है आगे, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन वगैरह का कुछ सिस्टम दिया हुआ है। तो मैं तो गाइज आपसे यही बोलूँगा कि आप चेंज ना करें तो अच्छा है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस से दिखे गाइज, ये योगी जी का फ़ोटो आ गया है हमारे टैब के वॉलपेपर पर, और हम इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। अभी इसे हम देखते हैं इस तरह से रोटेट करने के बाद, तो साथ में मोदी जी का फ़ोटो भी आ रहा है आप देख रहे होंगे,
ये देखिए गाइस, ये मोदी जी का फोटो आ रहा है, ये योगी जी का फोटो आ रहा है। युवा शक्ति की क्षमता अपार, अब हो रहे सपने साकार, ये लिखा हुआ आ रहा है। और बढ़िया गाइस, सही है, अपने पढ़ाई के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। और उसके अंदर हम देखते हैं ये बहुत से ऐसे ऐप्स हैं, बायजूस लर्निंग ऐप ये ओपन नहीं हो रहा गाइस, आईडी वगैरह डालनी पड़ेगी, हो जाएगा। तो गाइस हमने अपना टैब वगैरह ऑन कर लिया है बूट करने के बाद में। अब हम देखते हैं गाइस अपना जो हमारा कवर है, कवर को भी एक बार देख लेते हैं हम, अपना सेफ्टी कवर है यहाँ मिला है गाइस, ये कुछ इस तरह का है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे एक ये मैग्नेट वाला सिस्टम दिया होता है इसके अंदर, जो थोड़ा कवर कर लेता है इसे अच्छे तरीके से, बैंड हो जाता है अपने आप मैग्नेट के थ्रू। और ये पीछे से कुछ इस तरह, ये कैमरे का स्लॉट दिया हुआ है इसमें, स्पीकर का स्लॉट है, ये पावर बटन है, और ये वॉल्यूम बटन है, और ये माइक का स्लॉट दिया गया है इसमें होल एक, ये ऑक्स केबल का है, और ये चार्जिंग सी पोर्ट का, और ये माइक, और ये हमारा स्पीकर का। और हम इसे ओपन करते हैं अंदर की ओर से, तो एक गद्दी लगी हुई आती है थर्माकोल वगैरह की, किसी काम की नहीं है, हटाओ इसे। और अब हम इसमें अपना टैबलेट फिक्स करके देखते हैं गाइस, लगा के देखते हैं कैसा लगेगा। इससे पहले इसे थोड़ा हम साफ कर लेते हैं अपने टैब को, निशान वगैरह ना रहे। फैसिलिटी दी है गाइस सरकार ने, मतलब आप अगर इसे परचेज़ करोगे, बाई करोगे कवर को, तो कम से कम 150 या 200-250 रुपए तक का तो मिलेगा। सरकार ने सेफ्टी के बारे में भी सोचा है, और विद्यार्थियों के खर्चे के बारे में भी सोचते हुए ये कवर भी इसके साथ दिया है। बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, बहुत बढ़िया है। तो वीडियो को लाइक कर दो गाइस अगर पसंद आई है। और क्या क्या मिला मैंने आपको सब दिखाया था, चार्जर दिखाया था, डाटा केबल, और ये कवर है, और एक सिम निकालने वगैरह की पिन है, और अपना टैबलेट है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।